वो ऐसा है जैसे हमारा दिल्ली का कनॉट प्लेस। हाँ, आप की स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, द आंसर इज रॉन्ग, इट इज इन न्यू जर्सी। एवरीबॉडी, मेरा नाम है ऋतु और अभी ना हम जा रहे हैं बाहर घूमने, तो हर बार की तरह मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ तो आपको भी साथ में लेके जाऊं। आज हम जा रहे हैं लिबर्टी स्टेट पार्क, ये कैसा मस्ता पार्क है ना, जहाँ से आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखती है, तो वेरी एक्साइटिंग जगह है वो, एंड आई एम होपिंग कि जब आप जाओ वहां पे मेरे साथ आपको मजे आए। उसके बाद हम शॉपिंग भी करने वाले हैं एंड बड़ा लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन व्लॉग होगा आज। हम जो भी करेंगे ना बच्चे वाले दिन में, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, तो आई एम होपिंग आपको मजे आए। लेट्स गो। एक चीज विच आई रियली लाइक अबाउट लिविंग इन न्यू जर्सी कि यार, मतलब कल भी हम एक जगह गए थे, सब चीजें बड़ी पास पास है। मम्मी आपको स्टैमफोर्ड अच्छा लगा है? जर्सी मुझे जर्सी भी अच्छा है, मुझे स्टैमफोर्ड ज्यादा। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कल कहीं गए थे तो हम कल न्यूयॉर्क गए थे, 15 मिनट में पहुंच गए थे, और अभी हम लिबर्टी स्टेट पार्क जा रहे हैं। हाँ, न्यूयॉर्क पास है यहाँ से, मगर वो तो खैर यहाँ से तो बहुत पास है, जब मर्जी तब चले जाओ। हाँ, और वहाँ से ये था कि था तो दूर मगर वैसे बहुत अच्छा था घूमने में। उसमें मेरी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में आप क्या बोलेंगे? ड्राइविंग बढ़िया है, कल ही मैंने दो कांड किए थे, कांड करे थे, मगर फिर भी ठीक है। ठीक है, आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडे इज द वेदर। यार वेदर बहुत कूल है एंड इसीलिए बहुत सारे लोग फाइनली बाहर निकलना शुरू कर दिया है। मतलब ये देखो, मस्त पिकनिक चल रहा है इधर, और ये जो उधर जगह है, दिस इज पार्ट ऑफ हडसन रिवर एंड पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, एंड उधर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो न्यूयॉर्क है ये बहुत पास है, मतलब हमारे घर के पास से जो वो वॉकवे उससे भी पास है, बट दिस इज द क्लोजेस्ट आई हैव एवर सीन, एंड इधर से रिवर भी नहीं दिख रही, तो ऐसा लग रहा है। बट आप चलते जाओ थोड़ा आगे और बस आ ही जाएगा अपना न्यूयॉर्क यही, तो आई कैन सी इट फ्रॉम हियर। एक और चीज जो मेरे पीछे दिखाई है, ये सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, दिस वाज एक्चुअली द वे टू वर्ड्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ से ना फेरी जाती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पानी के अंदर है, तो वहाँ पे फेरी जाती थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड आई थिंक इट इज क्लोज। न्यूयॉर्क में एक जगह है जिसका नाम है बैटरी पार्क, वहाँ से एक बार स्टैचू ऑफ लिबर्टी की फेरी जाती है, और एक यहाँ से आई थिंक दो ही जगह से जाती है। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है, दिस इज अ मिसकंसेप्शन अ लॉट ऑफ पीपल हैव, कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, द आंसर इज रॉन्ग, इट इज इन न्यू जर्सी। और बस अभी हम यहाँ से मैनहट्टन का अमेजिंग व्यू ले रहे हैं, और उसके बाद हम चलते हैं दोबारा पाथवे पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। पहुंचने वाले हैं, आई कैन सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रॉम हियर, एंड जो आपको पीछे दिख रहा है ना, ये सारा न्यूयॉर्क है और वो जर्सी है। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ऐसा लग रहा है कि एक ही पार्ट है, बट बीच में रिवर है, और उधर ये जो सारी बिल्डिंग्स, आई कैन सी हमारी बिल्डिंग भी फ्रॉम हियर, दिस इज ऑल न्यू जर्सी एरिया, एंड वो साइड एकदम जो पानी पे दिख रहा है, दिस इज न्यूयॉर्क। तो बीच में हम है, उधर न्यू जर्सी है और उधर न्यूयॉर्क है, और अभी हम यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, आई कैन सी इट फ्रॉम हियर। और मतलब बस थोड़ा ही और पास जाने वाले हैं, अभी आजकल फेरी नहीं चलती, अदरवाइज मैं आपको वहां लेके पक्का जाती, बट यहीं से हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। एंड जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, वो फ्रांस ने गिफ्ट की थी यूएस को, एंड तब से ये यहाँ पे है। और जो पीछे दिखा ना, ये सारा पोर्ट है। क्या हुआ था ना कि जब पहले ना ऐसे मतलब एयर ट्रैवल और ये सब नहीं होता था, तो लोग जब पानी से आते थे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते थे और फिर लगता अब हम अमरीका आ गए हैं। लाइक सच्ची बात बोल रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग इट लाइटली, बट स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज वन ऑफ द रीजंस जब लोगों को समझ में आता था कि न्यूयॉर्क आ गया है। अब हम बस थोड़ा सा और पास जाके देखते हैं, आई एम नॉट श्योर यहाँ से, इधर से दिख रहा है क्या प्रशांत कैमरा में?
यहाँ पे मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो वाला द मोस्ट फेमस जगह है व्हेन इट कम्स टू न्यूयॉर्क सिटी, मतलब टॉप थिंग्स टू डू इन न्यूयॉर्क सिटी में आई थिंक स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, लेट्स एक्सप्लोर कि आगे क्या है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ अच्छा दिख पाएगा और ट्राई करने में कुछ ज्यादा नहीं है तो चल लेते हैं। जिसका था इंतजार हम उस जगह फाइनली पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख सकते हैं एंड अभी जहां मैं हूं ना दिस इज द क्लोजेस्ट आई कैन सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रॉम द लैंड, क्योंकि अगर आपको देखनी है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अपने आप में एक आइलैंड में बनी हुई है तो आप वहां जा सकते हो, इधर आप वाटर में जा सकते हो, लैंड पे दिस इज द क्लोजेस्ट दैट यू कैन सी। आगे भी पूरा वॉक वे है बट कोई पॉइंट नहीं यहाँ जाने का, मतलब यहीं से वैसा दिखे रहा है तो वहां से भी सेम दिखेगा। एंड अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसका जो बैक साइड है ना वो हमारी तरफ है, मुझे लगता है जर्सी में प्रशांत इसका बैक साइड यहाँ नहीं होना चाहिए था, नहीं मगर ये बना तो न्यूयॉर्क के लिए था ना मतलब क्योंकि मैं जर्सी में तो मुझे लग रहा है ये बात गलत है, हमारे साथ गलत हुआ जब जर्सी में क्या अपनी थाली में खाया उसी थाली में छेद। अब हम वापस जा रहे हैं, आज बड़े मजे आए तो बस अब हम जा रहे हैं थोड़ा मम्मी से बातचीत करते हैं फिर शॉपिंग करनी है हमको वहाँ चलेंगे। जस्ट वी आर नाउ गोइंग बैक और मेरे एक दो सवाल है मम्मी आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ से, सही लगा? हाँ अच्छा लगा। अच्छा लगा हाँ। और अगर आपको मैं पूछूं एक जगह जो आपको लगती है भैया सबसे ज्यादा खूबसूरत है न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर, मुझे पता है जितने भी टूरिस्ट हैं उनको टाइम्स स्क्वायर बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है बट थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है बट वो लिट जगह है, मतलब वो ऐसा है जैसे हमारा दिल्ली का कनॉट प्लेस, हाँ उससे भी अच्छा, उससे भी लाइट वाइट तो मतलब काफी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया, हाँ इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डालूंगी, मैंने एक ब्लॉग बना रखा है वो देख लेना अगर आप चाहते हो कि मम्मी को भी हम दोबारा लेके जाए विच वी आर प्लानिंग, तो चलने का प्लान है बता देना अगर आपका मन हो तो हम ब्लॉग भी बना लेंगे। अच्छा यहाँ पे ना एक मस्त सा पिकनिक स्पॉट भी है तो मतलब वहाँ पे लोग एकदम खा भी रहे हैं मस्त तरीके से, सामने कुछ लोग ग्रिल कर रहे हैं एंड मतलब यहाँ का कल्चर ही है कि थोड़ा सा मतलब वेदर ठीक हुआ ना उसके बाद बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं एंड मस्त पिकनिक करते हैं, उधर भी आपको दिख रहा होगा मस्त लोग आ रखे हैं सारा पिकनिक करने। एंड अगेन ये जो सामने है यहाँ पे राइड्स हैं छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों की पार्टी भी है तो मतलब मम्मी पापा यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं एंड बच्चे पार्टी वहाँ पे मस्त मजे कर सकते हैं। जा रहे हैं ट्रेडर जोज अपना ग्रोसरी खरीदने एंड सामने बड़ा मस्त सा न्यूयॉर्क का व्यू आ रहा है, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है और जैसी में रहने का आई थिंक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर जगह से न्यूयॉर्क का व्यू आता है। एक चीज जो आपको जरूर लेनी चाहिए और अगर आपने नहीं ली अभी तक वो है ये वेजिटेबल मसाला बर्गर, आलू टिक्की की कमी महसूस नहीं होगी आपको। मम्मी यहाँ इंडियन सामान देख के कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना इंडियन सामान में चिकन टिक्का मसाला, पालक पनीर, वेजिटेबल बिरयानी, कोरमा फिश करी एंड आई रियली रियली लाइक दिस गार्लिक नान, मतलब अगर आप घर पे पनीर खाओ ना तो मतलब उसके अंदर मजा आता है अगर आप उसके साथ खाओगे तो। My time to say goodbye to all of you. I am hoping कि आपको मजा आया होगा, हम यहाँ मस्त पिज्जा पार्टी कर रहे हैं एंड मम्मी आपको मजा आया घूम के? ठीक है, प्लीज प्रशांत has already eaten 3 pieces. चलो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना, बहुत सारा प्यार बना के रखना एंड जो लाइक वाला बटन है वो ऐसे ऐसे ही नहीं है उसको दबाना। ओके बाय बाय।